हेलो एंड नमस्कार मेरा नाम है दिपाली कॉल ये एक लव रीडिंग है फ़ॉर द नेक्स्ट टेन डेज स्टार्टिंग फ्रॉम ट्वेंटी फर्स्ट ऑफ अक्टूबर टू थर्टी फ़र्स्ट ऑफ अक्टूबर आइए स्टार्ट करते हैं यूनिवर्स प्लीज़ बताइए एवीज़ के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर द नेक्स्ट टेन डेज़ क्या लव मैसेजेस हैं एवीज़ के लिए फ़ॉर द नेक्स्ट टेन डेज ट्वेंटी फ़र्स्ट टू थर्टी फर्स्ट ऑफ अक्टूबर हमारे पास है द मून पाइस कैंसर स्कॉर्पियो हमारे पास है सेवन ऑफ सोड्स जेमिना एक्वेरियस हमारे पास है किंग ऑफ कप्स पाइसेस कैंसर स्कॉर्पियो एरीज यहाँ पे कोई पाइसेस या फिर कैंसर या फिर स्कॉर्पियो काफ़ी सिग्निफिकेंट होने वाला है अब देखिए द मून हमें बताता है कि हो सकता है आपके साथ नेक्स्ट टेन डेज़ में आ, किसी तरीके की कोई इल्यूजन आपको दिखाया जाए कोई स्टोरी आपको बताई जाए आपके सामने कुछ ऐसी चीज़ क्रिएट करके रखी जाए कि आपको कोई और पिक्चर मिले कोई चीज़ बहुत गंदी हो बट आपको बोला जाए ये बहुत अच्छी है ठीक है तो हो सकता है ये जो इंसान आने वाला है आपकी लाइफ में पाइसेस कैंसर स्कॉर्पियो ये थोड़ा सा आपको झांसा दे किसी चीज़ में फंसाए या फिर आपको ट्रिक करे ठीक है बहुत चलाक हो सकता है ये इंसान क्योंकि देखिए हमारे पास सेवन ऑफ सोट्स भी है तो आपके पास आपके साथ कोई ना कोई ट्रिक प्ले हो सकती है किसी तरीके का मनुपुलेशन हो सकता है आपके साथ मनीपुलेशन के साथ साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान थोड़ा कनिंग हो सकता है थोड़ा चलाक हो सकता है आ, ये आपको आप अपने ड्रीम्स पे ध्यान दीजिएगा आपके ड्रीम्स में हो सकता है यूनिवर्स आपको कुछ बताने की कोशिश करें इस इंसान के बारे में आ, या फिर कोई आपके सामने इल्यूजन रखा जा सकता है बहुत ही गुडी गुडी पिक्चर बना के रखी जा सकती है किसी एक इंसान की या फिर ये इंसान आपको बताए कि आपकी और इनकी लाइफ आगे जाके कितनी अच्छी होने वाली है जबकि सीन हो थोड़ा ऑपोजिट ठीक है तो वैसी कोई वाई बारी है मुझे देखिए हमारे पास किंग ऑफ कप्स भी है अब किंग ऑफ कप्स हमें ये बताते हैं कि थोड़ा सा अम, लॉजिकल होके चलने की ज़रूरत है ये इंसान बहुत लॉजिकल है या फिर आप बहुत लॉजिकल हो बट थोड़ा लॉजिकल होके चलने की ज़रूरत है थोड़ा दिमाग इस्तेमाल करने की जरूरत है आपको या इनको बट आई थिंक क्योंकि यहाँ पे इतनी चीटिंग और ट्रिक वाली और इतना uh, किसी चीज़ में फंसाने वाली वाइब है तो आई थिंक इट्स ऑल द मोर इम्पॉर्टेंट कि आप अपना दिमाग इस्तेमाल करो अपनी इंट्यूशन इस्तेमाल करो किसी के कहे में ऐसे ही मत आ जाओ थोड़ा ध्यान रखो कि जो इंसान कुछ कह रहा है क्या वो एक्चुअली में सीन है या वो एक सिर्फ पिक्चर आपको दिखाई जा रही है ये इंसान या आप मेरे ख्याल से आप बहुत ही इमोशनली बैलेंस्ड हो अभी इस टाइम पे नेक्स्ट टेन डेज में तो आप इस ट्रिक में और इस स्टूपट um, से जो प्ले एक एक्ट हो रहा है आपके सामने एक दिखावा हो रहा है आपके सामने आप इसमें फंसने वाले नहीं हो क्योंकि आपके लिए लॉयल्टी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये इंसान झूठ 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 सच कभी बोलता ही नहीं है इनका सिर्फ झूठ ही चलता रहता है तो वो वाली चीज दिख रही है मुझे अगेन जेमिना लिब्रा एक्वेरियस और पाइस कैंसर स्कॉर्पियो पे काफी ध्यान दीजिएगा नेक्स्ट टेन डेज में देखते हैं लव एंड कनेक्शन डेक्स है हमारे पास क्या है यूनिवर्स प्लीज बताइए एरिस के लिए क्या लव मैसेजेस हैं नेक्स्ट टेन डेज के लिए क्या लव मैसेजेस हैं ट्वेंटी फर्स्ट टू थर्टी फर्स्ट ऑफ अक्टूबर के लिए एरीज यू हैव वॉट इट टेक्स देखिए एरीज यहाँ पे यूनिवर्स ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप ये मत सोचिएगा कि अरे यार ये इंसान अगर चला गया तो कौन आएगा मेरी लाइफ में यू हैव वॉट इट टेक्स आपके अंदर वो खूबी है वो सुंदरता है वो कैपेसिटी पोटेंशियल है कि आप एक अच्छा रिश्ता बना सकते हैं निभा सकते हैं लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हैं तो अगर आपको किसी भी टाइम पे ये लगता है कि भाई मुझे कौन पसंद करेगा या ये इंसान को मैं नहीं जाने दे सकता इवन दो ये बहुत चलाक है और ये गेम्स प्ले कर रहा है बट मैं जाने दूंगा अगर तो फिर मुझे कौन मिलेगा ये सब सोचना बंद कर दीजिए कन्विंस योर सेल्फ नॉट अदर्स देखिए एरीज़ यहाँ पे यूनिवर्स ही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप दूसरों को कन्विंस मत करो कि आप इस रिश्ते में क्यों हों इस रिश्ते से बाहर क्यों निकल रहे हो इस रिश्ते में क्यों जा रहे हो क्यों आपको ये इंसान पसंद है क्यों आपको ये इंसान पसंद नहीं आ रहा है ये कन्विंस करने के लिए आप, आप दूसरों को मत जस्टिफाई करो बट बट अपने आप को ज़रूर इन सवालों का जवाब दो आप कि अगर मैं इस टॉक्सिक इंसान के साथ रिलेशनशिप में हूँ और मैं नहीं एग्जिट कर रहा हूँ तो मैं क्यों नहीं कर रहा हूँ क्यों क्योंकि मैं अकेला इनफ नहीं हूँ या मुझे अपने ऊपर डाउट है या मुझे लगता है कि कोई मुझे नहीं मिलेगा वट एवर आई थिंक आप ना दुनिया को कन्विंस करने में लगे हुए हो कि आप जो कर रहे हो जो डिसीजन ले रहे हो वो क्यों ले रहे हो राजा दान कि आप अपने आप को कन्विंस करो कि भाई जो मैं कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ मतलब अपने आप को जस्टिफाई करो ना दुनिया को क्या जस्टिफाई करने की ज़रूरत है आपको पकर आप बटो का देखिए एवरीज यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आ, आपको ना रियलाइजेशन नहीं हो रही है कि आप कितने अच्छे हैं और आप एक इंग्लिश में जैसे कहते हैं ना कि गुड कैच ठीक है जो हर किसी को पसंद होता है इंसान और वो बिल्कुल परफेक्ट होता है बट आई थिंक आपको रियलाइजेशन नहीं है कि आप यू आर सच अ गुड कैच कि आपको कोई भी पसंद करेगा आपका ऑपोजिट जेंडर सेम जेंडर जिस भी ओरिएंटेशन में है आप बट आपको हर कोई पसंद करेगा और आपको वो रियलाइजेशन नहीं है कि आप अट्रैक्ट करते हो लोगों को क्यों क्योंकि आपके अंदर वो खूबियां हैं जो दूसरे को चाहिए आप उन खूबियों को खुद ही तवज्जो नहीं देते हो उनको इम्पोर्टेंस नहीं देते हो आपको लगता है मैं ब्लास्ट आई तो इंसान हूँ लाइक मेरे में क्या खूबी हो सकती है मेरे को कौन पसंद करेगा यू हैव वॉट इट टेक्स अपने आप को कन्विंस करिए इस इस दिखावे वाले इंसान से बाहर निकलने के लिए आप एक लव मैग्नेट हो तो लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं एरीज रीज इट जस्ट दैट कि आप किसी गलत इंसान में फंसे हुए होते हो इसलिए सही लोग आ नहीं पाते हैं आपके पास भाई अगर आप कमिटेड होगे तो कोई हेल्दी रिलेशनशिप नया कैसे स्टार्ट हो पाएगा अगर आप ऑलरेडी एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो राइट तो वो थोड़ी सी देखने वाली बात है बाहर निकलिए इस दिखावे वाले इल्यूजन वाले ट्रिकरी चीटिंग मेनुपुलेशन वाले रिश्ते से चार्म में से देखिए हमारे पास है एक टाइगर पेशेंस रखनी है कई चीजें हो सकता है थोड़ी धीरे चल रही हो स्पीड कम हो बट वो होंगी ठीक है तो ये मत सोचिएगा कि अरे यार हो क्यों नहीं रहा है Uh, कोई नया रिश्ता हो क्यों नहीं रहा है वो इंसान के साथ मैं डेट पे कब जाऊंगा वो जा क्यों नहीं रहा हूँ मैं वट बट थोड़ी सी पेशेंस रखनी है अगर आप अपने प्यार का भी वेट कर रहे हो तो बहुत ही इमोशनली बैलेंस्ड इंसान हो सकता है वो आएगा अभी नहीं तो बाद में आएगा बट आपको थोड़ा सा वेट करना है इंतज़ार करना है हमारे पास है एक बटरफ्लाई ट्रांसफॉर्मेशन चेंज हो सकता है काफ़ी इंपॉर्टेंट चेंज हो सकता है आपकी लाइफ में कोई एक स्टेज खत्म हो सकती है नई स्टेज स्टार्ट हो सकती है आ, कोई लाइफ में बहुत ही बड़ा बदलाव आ सकता है वैसी सी कोई वाइब है जिसमें एक कैटरपिलर से एक ककून से आप एक बटरफ्लाई बन जाओगे एक गुड चेंज ठीक है हमारे पास है क्लोवर लीफ, अब देखिए हमारे पास दो जगह है क्लोवर लीफ, क्लोवर लीफ होता है लक फॉर्च्यून अपॉर्चुनिटीज अच्छी चीज़ें ठीक है हैप्पीनेस तो आपके पास लक फॉर्च्यून ये सारी चीजें आने वाली हैं हो सकता है आपके नए पार्टनर के थ्रू आ जाए या फिर आप जब इस टॉक्सिक कनेक्शन से बाहर निकले तब आ जाए बस वो अपॉर्चुनिटीज वेट कर रही हैं हमारे पास एक क्लोवर लीफ एक अलग चाम है और एक है जिसमें एक पंछी उड़ रहा है अपनी चोंच में क्लोवर लीफ पकड़ के तो लक तो आने वाला है आपकी लाइफ में डबल कंफर्मेशन है यहाँ पे बट हो सकता है कि आप अपना घर बना रहे हो आप कोई नए रिश्ते में एंटर करने वाले हो आपने कहीं लैंड प्लॉट फ्लैट बंगलो खरीदा है और उसकी रेनोवेशन कंस्ट्रक्शन चल रही है कुछ ऐसा हो सकता है हमारे पास है लेटो जे अब देखिए आपका नाम स्व नेम कंट्री सिटी लोकेशन स्टेट किसी का भी हो सकता है जे से ध्यान दीजिएगा हमारे पास है एक स्टार और उसके अंदर एक और स्टार है तो दो स्टार हैं विश पूरी हो सकती है यहाँ पे आप किसी चीज़ की अगर इच्छा कर रहे हैं मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो थोड़ा ध्यान से करिएगा पर्टिकुलर रहिएगा कौन सी चीज़ कब चाहिए आ, किस मौसम में चाहिए किस टाइम लिमिट तक चाहिए आ, किस लोकेशन में चाहिए थोड़ा स्पेसिफ़िक रहिएगा क्योंकि अगर आप बोलो कि मेरे पास पैसा आ जाए और आपके पास आ जाए हज़ार तो ज़रूरी नहीं कि हज़ार से आप हो या फिर आप खुश हो राइट तो आपको वो स्पेसिफाई करना पड़ेगा क्या चाहिए आपको तो वो वाली चीज़ है यहाँ पे आ, आपके जो पार्टनर हैं वो थोड़े से लंबे बाल हो सकते हैं उनके काफ़ी लंबे बाल हो सकते हैं उनके चलाक हो सकते हैं ये आ, थोड़ी इनकी आंखें जो हैं काफ़ी बड़ी हो सकती हैं थोड़ी अनयूजअल वे में बड़ी हो सकती हैं आ, इनको पानी बहुत पसंद हो सकता है या आपको पानी बहुत पसंद हो सकता है मून ध्यान दीजिएगा किसी के बर्थ चार्ट में काफ़ी सिग्निफिकेंट हो सकता है या फिर आपका या अपने पार्टनर का मून साइन चेक करिएगा जेमिना एक्वेरियस स्पाइसिस कैंसर कापियो हो सकता है बट मोस्टली uh, मेरे पास यही मैसेजेस थे यूनिवर्स की तरफ से ये रीज अगर आपको रीडिंग पसंद आई तो लाइक करें शेयर करें कमेंट करें सब्सक्राइब करें मेरे चैनल इमरामा टैरो को और पार्ट बनी मेरे इमरामा फैमिली का थैंक यू बाय